एजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डिजियाना ग्रुप का केबल सर्विसेज में एक उभरता हुआ नाम है, जिसने 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूवर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। डिजियाना नेटवर्क आज पूरे मध्य प्रदेश में अपने हाई सिग्नल्स के साथ लगभग 180 से भी ज्यादा सेंटर्स पर संचालित हो रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स का जाल फैला हुआ है, जिससे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सरोकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है खुशहाल होंगे नौनिहाल। आज बच्चे ना घर में सुरक्षित हैं, ना स्कूल में और ना ही बाहर। बाल यौन शोषण हो या उत्पीड़न भारत में महामारी की तरह फैल चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हर 4 में से एक लड़की और 6 में से एक लड़का 18 वर्ष का होने से पहले यौन हिंसा का शिकार होता है। शोध बताते हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 90% लोग परिवार के ही होते हैं या फिर जानकार होते हैं। वहीं भारत में हर दिन 40 बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जबकि 48 बच्चे दुराचार का शिकार होते हैं। इसी कड़ी में 10 बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, यानी इन बच्चों को भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति और बाल मजदूरी के लिए खरीदा और बेचा जाता है। जबकि हर 6 मिनट में देश के किसी कोने से एक बच्चा गायब हो जाता है। राजधानी भोपाल में 3 महीने से भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को बाहर निकालने के लिए खुशहाल नौनिहाल अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 200 बच्चों को चिन्हित भी किया गया है, लेकिन भोपाल से ही तकरीबन 9000 बच्चे गायब हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। और बाल मजदूरी भिक्षावृत्ति के मामले में देश आगे है। हालांकि सरकार दावा कर रही है बाल मजदूरी में भिक्षावृत्ति में अपेक्षाकृत काफी कमी आई है। सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए अनेक कानून बनाए हैं और कड़ी सजा का प्रावधान भी किया है, मगर असल में आज भी लाखों बच्चे कल कारखानों से लेकर विभिन्न स्थानों पर मजदूरी कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर, फल सब्जी से लेकर मोटर गाड़ियों में हवा भरने, होटल रेस्टोरों में और छोटे मोटे उद्योग धंधों में बाल मजदूर सामान्य तौर पर देखने को मिल जाते हैं। केंद्र ने मानव तस्करी रोकने के लिए नया कानून बनाया है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, यानी प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018 सदन में पारित कर दिया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बिल सदन में लाया गया था। केंद्र सरकार ने इसके लिए नेशनल एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप नैक का भी गठन किया। मानव तस्करों के लिए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया है। मानव तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को त्वरित सजा दी जा सके। नए कानून में कहा गया है, देश की 130 करोड़ की आबादी में 1.8 करोड़ से अधिक लोग मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। नए कानून में राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी का गठन किया जाएगा। ये एजेंसी सभी राज्यों में भ्रमण कर मानव तस्करी में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करेगी। नए कानून में सभी तरह की ट्रैफिकिंग की गतिविधियां शामिल की गई हैं। इसमें मानव व्यापार, ड्रग्स की खरीदी बिक्री, मजदूरों की तस्करी, तस्करी किए गए बच्चों के साथ यौन शोषण, मानव अंगों का व्यापार व बाल विवाह जैसी कुरीतियों को शामिल किया गया है। मानव तस्करी से छुड़ाए गए बच्चों बच्चियों के उचित पुनर्वास को लेकर पुनर्वास फंड गठित करने की बात भी कही गई है। बिल में राज्य सरकारों को संबंध अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार होगा। प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव जी। मैम, किस तरह से अभियान चल रहा है भिक्षावृत्ति को लेकर, जो बच्चे हैं उनको काफ़ी आपके द्वारा अभियान चलाया गया, उसमें कितने बच्चों को वहाँ से छुड़ाया गया है और क्या अभी भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा? आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें जहांगीराबाद से 26 बच्चों को रेस्क्यू किया है, वहाँ पे 12 एडल्ट थे, और अशोका गार्डन से 18 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। मैम, इस तरह का जो अभियान है और आपकी अगुवाई में जो एक चल रहा है, इसमें किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? कई बंधक जैसी स्थिति भी कहीं कहीं आती होगी, या सिर्फ बैगर्स की समस्या है, या अन्य राज्यों के भी लोग इसमें शामिल हैं? आज जो लोग मिले हैं, बच्चे मिले हैं, तो कुछ बच्चे हैदराबाद से हैं और जो अशोका गार्डन के बच्चे हैं वो कानपुर से आए हुए हैं, उनके साथ कुछ एडल्ट्स भी मिले हैं। और हम लोग ये अभियान शुरू किए थे 8 मार्च से, और इस अभियान में हमने इसके बहुत से पहलू हैं। मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम चाइल्ड बैगिंग को अपने संभाग में उसको ख़त्म करें। तो इसी सब पर हमारी चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विभांशु जोशी की, जो कि पूर्व सदस्य हैं बाल आयोग के। बहुत स्वागत है विभांशु जी आपका। पूजा सिंह राणा है, समाज सेविका है बाल आयोग की। बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। साथ हैं सलीम खान जी, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। और अब चर्चा हम शुरू करेंगे। विभांशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह भिक्षावृत्ति या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है उसमें जो दंड का प्रावधान है, जो कानून बने हैं, वो क्या कुछ है, पहले सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं भोपाल संभाग की जो आयुक्त हैं कल्पना श्रीवास्तव जी को, उनको सलाम करना चाहूँगा, जो खुशहाल नौनिहाल उन्होंने एक 8 मार्च से अभियान शुरू किया है, जिसमें भिक्षावृत्ति में जिन बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है उनको उस खतरे से बाहर निकालकर उनको शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जाना, उनको पढ़ाना लिखाना, और लगातार वो इस अभियान में संभाग कार्य कर रहा है। लेकिन दुख निजत जी ये आता है कि क्या 2015 से किशोर न्याय अधिनियम लागू हो चुका है देश में, इतने दिनों तक प्रशासन क्या सो रहा था? 2015 में किशोर न्याय अधिनियम देश में लागू हो चुका है, उसमें साफ तौर पर भिक्षावृत्ति को रोकने की बात कही गई है, और भिक्षावृत्ति यदि कहीं होती है तो वहाँ सजा के बाकायदा प्रावधान है। यदि ऐसी परिस्थिति में कहीं अंग भंग किया जाता है तो और कड़ी सजा के प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आज तक प्रशासन क्या कर रहा था? आज कल्पना श्रीवास्तव मैडम आई क्योंकि वो आयुक्त महिला बाल विकास पहले रह चुकी हैं, बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, तो उन्होंने यह कदम उठाया। इसका जो दूसरी परिस्थिति भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ केवल एक संभाग नहीं है, इसमें ट्रैफिकिंग की, जैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण बात आपने DNN चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाई कि ट्रैफिकिंग, अब ट्रैफिकिंग मान लीजिए हमने भोपाल संभाग में ये भिक्षावृत्ति रोकने का एक अभियान चलाया, अब ये बच्चे ट्रैफिक होकर दूसरे संभाग में चले जाएंगे, वहाँ यदि वो संभाग मध्य प्रदेश पर सजग और सतर्क नहीं है तो ये बच्चे वहाँ पर दुरुपयोग किए जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य भोपाल में यह कार्य चल रहा है, तो वो अब यहाँ ना आके पड़ोसी संभाग में ऐसे में चले जाएंगे। जब तक पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का एक साथ अभियान सभी संभागों में ना चलाया जाए, तब तक मुझे लगता है कि जो कल्पना श्रीवास्तव मैडम की जो वास्तविक भावनाएं हैं, खुशहाल नौनिहाल, वो कुछ समय के लिए पड़ोसी संभाग में होंगी, फिर वापस भोपाल में आ जाएंगे। तो जो ट्रैफिकिंग है, ये ट्रैफिकिंग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका जो ये कड़ा कानून है, इसमें यही माना जाता है कि बच्चों का दुर्व्यापार होता है। दुर्व्यापार जो है वो हमारे संविधान में बाकायदा संविधान के अनुच्छेद में इस बात की व्याख्या है कि मानव दुर्व्यापार नहीं करना चाहिए, और यदि कहीं भी मानव दुर्व्यापार करता है तो उसका, उसके खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान किए जाने चाहिए। इसीलिए भारत में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए कड़े कानून की व्यवस्था की गई है। देखिए, मानव दुर्व्यापार से, जैसा कि आपने साफ तौर पर बताया अपने दर्शकों को कि मानव दुर्व्यापार किसी का भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बच्चों का जब होता है तो उनको ऐसे बुरे कामों में, उनके साथ लैंगिक शोषण होता है, उनके साथ भीख मंगवाई जाती है, उनके अंगों को निकाल लिया जाता है, क्योंकि उनके अंग बहुत जीवित होते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं, ऐसे उनसे बाल श्रम करवाया जाता है, और ऐसे तमाम दुरुपयोग उनके होते हैं, जिसको रोकने के लिए मानव दुर्व्यापार, जिस विशेषकर बाल दुर्व्यापार रोकने का बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, रेलवे भी इस मामले में बहुत सजग हो गया है। रेलवे भी, अभी मैं कल ही रतलाम में था, रतलाम कलेक्टर महोदय ने मुझे बुलाया था व्याख्यान के लिए, तो वहाँ मैं रतलाम रेलवे स्टेशन की चाइल्ड लाइन में वहाँ गया, मैंने देखा
रेलवे स्टेशनों पर भी बाल दुर्व्यापार जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जनता जागरूक होकर ऐसा कहीं भी बच्चा वो देखती है और चाइल्डलाइन को 1098 जब तक नहीं फ़ोन करेगी तब तक इसको बहुत बड़े तक पे के इस अभियान को सफल नहीं बनाया था। तो मुझे लगता है कि ये भोपाल संभाग का ये कार्यक्रम अनुकरणीय है और DNN चैनल जिस तरीके से इसको सामने लेकर आया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सलीम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि त्वरित सजा का प्रावधान बताया गया है, तो अभी तक ये जो मामला था भोपाल का जो मामला था, कुछ बच्चे सामने आए जिनको निकाला गया, इस दलदल से बाहर निकाला गया, और उन बच्चों का उनका कहना है कि उनको परिवार के हवाले कर दिया गया, कुछ को सुधार गृह जैसी जगह पर रखा गया, पर उन अपराधियों की सजा का क्या? अभी तक उनको किसी तरह की कोई सजा नहीं दी गई। और अगर पहले की बात करें, पिछले कुछ सालों के पीछे जाएं, तो 2013 में भी बचपन बचाओ इस तरह के अभियान चलाए जाते थे, बावजूद इसके अभी तक इस तरह के कृत्य सामने आते हैं और धड़ल्ले से दिखाई देते हैं। जैसा कि स्टेशन की बात की अभी विभांशु जी ने, स्टेशन पे भी अक्सर भीख मांगते बच्चे दिखाई देते हैं, आपको देख लेंगे, जगह जगह खड़े आपके सामने आके हाथ फैलाएंगे, पर वहाँ पर किसी तरह की कोई सख्ती अभी तक नहीं बरती गई। इसके अलावा नशे करते भी बच्चे दिखाई दे जाते हैं। क्या प्रशासन की अगर बात करें तो क्या वक्त वक्त पर ही जागना जरूरी है, या हर वक्त या हर समय इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अभियान और इस तरह की सख्ती, इस तरह की चीज़ों पर नकेल कसना चाहिए? क्या मानना है आपका? देखिए मैडम, मेरा ये कहना है कि कानून तो किशोर अधिनियम 2015 से लागू और उसमें बड़े कड़े प्रावधान हैं, और बाल श्रम रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान है और बड़ी बड़ी कड़ी सजाएं हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का अभियान जो अभी चलाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है और ये एक साथ पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। आप देखेंगे कुछ क्षणिक होता है और या कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए तो सब लोग जाग जाते हैं, प्रेस भी, पुलिस भी, समाज भी, लेकिन आमतौर पर चुप रहते हैं, वो देखते रहते हैं। हम स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं कितने एडिक्ट बच्चे भीख मांगते हैं, छोटी मोटी चोरी करते हैं, अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, वो भी बड़े अपराधी हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन इसमें जो अभी रेस्क्यू किया गया है जो बच्चों का, मेरा ऐसा मानना है इसमें एक पहलू, इस पहलू की भी जाँच की जानी चाहिए, शायद मेरे को लग रहा है थोड़ा अनदेखा है वो जी। कि जो बच्चे बरामद हुए हैं, क्या वाकई वो उनके जिनको सुपुर्द किया गया है उनके वाकई वो माँ बाप हैं या नहीं है, या वो बच्चे कहीं से चोरी किए गए हों पहले, फिर उनको पाला हो, फिर उनको इस तरह से तैयार किया हो, क्या इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे बच्चों को जिनको भी रेस्क्यू किया जाता है उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो बच्चे एक्चुअल उन माँ बाप के हैं या नहीं है, या कहीं से वो उठाए गए बच्चे हैं, कहीं से किडनेप किए हुए बच्चे हैं, ऐसा नहीं एक हाथ से निकले और दूसरे हाथ तक जी। हाँ जी, पूजा जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि इस तरह के बच्चे जो निकाले जाते हैं, इस तरह के दलदल से बाहर निकाले जाते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि परिवार को सौंप दिया, या शेल्टर होम्स की बात करें वहाँ पर रख दिया जाता है, सुधार गृह की बात करें वहाँ पर रख दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर उन बच्चों की अच्छी देखभाल की बात की जाती है, क्या लगता है आपको क्या स्थिति होगी फिलहाल? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से शेल्टर होम्स की आप बात कर रहे हैं मैम, इसमें सबसे पहले तो अगर इस तरह के बच्चे कोई भी हमको मिलते हैं या प्रशासन के पास आते हैं या पुलिस के पास में आते हैं, उनको शेल्टर होम्स में जब रख दिया जाता है तो शेल्टर होम्स में रखने के बाद एटलीस्ट उनका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए कि क्या वो बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं या नहीं है, या और वो सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, एक समाज के बहुत से NGOs और बहुत से गैर संगठन इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको लगातार उन बच्चों का फॉलोअप करना चाहिए कि वहाँ पर वो वाकई में सुरक्षित है या नहीं है, या वहाँ से भी कहीं और उनको फॉरवर्ड कर दिया है आगे, इस तरह का वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए। विभांशु जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि कानून की बात की गई, सज़ा की बात भी आपने बताई कि इस तरह के कानून, सख्त कानून, सख्त प्रावधान बनाए गए, पर क्या लगता है आपको, अभी कुछ समय पहले ही भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगह इस तरह के मामले सामने आए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और पकड़े गए थे वो लोग, पकड़े गए थे, तो उनके भी क्या कुछ अभी तक सज़ा हुई होगी या आगे इस तरह की चीज़ें पर सख्ती होगी? देखिए वही होता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने इसमें उठाया है कि वास्तव में जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे
किए जा पाते हैं। जैसे सलीम खान साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे तात्कालिक प्रभाव होते हैं, कहीं कोई घटना होती है तो हम सजग हो जाते हैं, लेकिन लगातार चलने वाला ऐसा कोई अभियान अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं देखा जाए। क्योंकि देखिए, महिला बाल विकास विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी होता है बच्चों के अधिकारों की, और यदि वहीं से कहीं खोट हो तो पूरे मध्य प्रदेश में बाल अधिकारों की बात हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में कानून कड़ा, देखिए 2015 में आ चुका है, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भारत की संसद ने दुखद निर्भया कांड के बाद किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे, जिसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया था धारा 76, जिसमें भिक्षावृत्ति को रोकने के प्रावधान किए गए थे। भिक्षावृत्ति रोकने के प्रावधान में बाकायदा 5 साल की सजा का प्रावधान है, और यदि अंग भंग कर दिया जाता है उसको, उस व्यक्ति को प्रावधान है सजा का जो इनसे भिक्षावृत्ति करा रहा है। और देखिए, इस कानून में यह भी साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई माता पिता अपने बच्चे से भिक्षावृत्ति करा रहा है तो उसका पालक का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस कानून में ही लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है, संसद के से पारित है, उसका पालक का अधिकार खत्म हो जाएगा, और ऐसे में जो जिले की बाल कल्याण समिति है वह उसके बारे में फैसला करेगी कि उसे कहाँ भेजना है, किसके पास भेजना है। जैसा कि अभी पूजा मैडम बता रही थी कि शेल्टर होम, देखिए हमारे पास एक ही रास्ता होता है बच्चे को घर से परिवार में, यदि वह सुरक्षित है तो उसको कहीं शेल्टर होम में बाल कल्याण समिति भेज देती है। अब वो शेल्टर होमों की जो हालात है उसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है, जिसके चेयरमैन जस्टिस जे के महेश्वरी जी हैं, वो लगातार शेल्टर होमों का दौरा कर रहे हैं और वो देख ये इस बात को पा रहे हैं कि शेल्टर होमों की जो हालात हैं वो इतने, उसमें बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। अब ऐसे में हमने बच्चे को रेस्क्यू किया तो बच्चे की शिक्षा और बच्चे को तमाम सुविधाएं, ये भारत के संविधान में साफ तौर पर लिखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट है अनुच्छेद 39E और 39F, उसमें साफ तौर पर भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि बच्चे की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, उसको जो है उचित सुविधाएं और सब अवसर मिलने चाहिए। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब सरकार की नीति निर्देशक तत्व है, ये सरकार को करना है बच्चों के। तब भी यदि सरकार सजग नहीं हो, कानून बनाने के बाद भी निचले स्तर तक उनको लागू ना किया सकते, तो ऐसे में बच्चों का हम भारत के भविष्य की कैसे कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जागरूकता की कमी अभी भी बनी हुई है। कानून बन गया है, उस पर अमल कितना किया जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी, और उस पर इस तरह मान लीजिए इतना कानून बनने के बाद भी उस पर चीज़ें नहीं अमल की जा रही है तो और कोई सख्त कानून बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई परिवार, कोई पालक ही इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो उसको उस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वापस सही तरह से जांच नहीं होती, वापस उस परिवार को ही उस बच्चे को सौंप दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस पर भी कोई सख्त कानून तो बना हुआ पर इस पर कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देता, क्या मानना है इस पर भी कोई सख्त और सख्त? जी बिल्कुल, इसमें यही किशोर न्याय अधिनियम में बाकायदा व्यवस्था है कि बाल कल्याण समिति को इस मामले में फैसला करना चाहिए। लेकिन जैसा कि पूजा जी का कहना है कि बाल कल्याण समितियों के आसपास या सरकार के पास अच्छे काउंसलर्स की कमी है, जो काउंसलर्स का जो चयन होता है उसकी प्रक्रिया अभी राज्य शासन के पास कोई भी नहीं है कि ऐसे काउंसलर्स का चयन किया जाए जो कि बच्चों से बातचीत करके उन बातों को उगलवा सकें। बच्चे वास्तव में भय के वातावरण में कुछ ना बोल पा रहे हों, ये एक बेहतरीन काउंसलर ही इस काम को कर सकता है। बाल कल्याण समिति एक विधिक संस्थान है जो कि गजट नोटिफिकेशन से बनती है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के तहत उसको बनाया जाता है, वो बच्चों के मामले में जिले में फाइनल अथॉरिटी होती है, लेकिन वो काउंसलर्स की मदद लेती है, काउंसलर्स बच्चों से बात करती है, थानों में काउंसलर्स की नियुक्ति की जाती है। जो काउंसलर, यदि गुणवत्तापूर्ण काउंसलर ही नहीं होंगे या काउंसलर्स की कमी होंगी या काउंसलर बच्चों की भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वास्तव में बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो माता पिता से भयभीत है अथवा नहीं, या वो उसके वास्तविक माता पिता हैं अथवा नहीं, ये बताने में वह स्पष्ट बच्चा नहीं होगा, ये काउंसलर ही अच्छा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन काउंसलर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको बाल कल्याण समिति से और साथ में थानों से और न्यायालय से जोड़ना चाहिए, तभी हम ऐसी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे और बच्चे के मन को से जान सकेंगे कि उसकी वास्तविक क्या स्थिति है। जी सलीम जी, क्या सच में इस तरह के काउंसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं, या अगर बात करें कि इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह के जो मानव तस्करी के काम होते हैं उसमें ज़्यादातर जो महिलाएं लिप्त पाई जाती हैं उन पर क्या किसी तरह की कोई सख्ती, कोई नकेल कसी जाती? देखिए मैडम, ये एक तो भिक्षावृत्ति और दूसरा बाल श्रम, हमारे समाज, सरकार, प्रशासन सबके लिए एक कलंक का विषय है,
और इसमें जागरूकता की बहुत ही कमी है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक काउंसलर का सवाल है, तो हर जगह काउंसलर रखने का प्रावधान तो है जो, और वो बात शेल्टर होम की हो रही है तो अमूमा देखिए कितनी शेल्टर होम में कितने अप्राकृतिक सेक्स की घटनाएं हुई हैं, लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, यानी वहाँ भी लगातार जब तक उनको क्लोज उनकी वॉच नहीं रखी जाएगी, और चाहे महिला हो या पुरुष, अपराधी होता है जिसने अपराध घटित किया है उसके ऊपर, क्यों महिला के लिए अलग कानून है पुरुष के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं, चाहे पुरुष अपराध करे या महिला अपराध करे, सजा सबको बराबर है। लेकिन हम जब घटना घटित होती है फौरन सजा की बात करते हैं, उसके लिए पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन की जो गुणवत्ता है उसको ठीक होना चाहिए, उसको लगातार सुपरविजन होना चाहिए कि जो भी जिस थाने में भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, जो भी एजेंसी का जाँच कर रही है, तो उसका लगातार सुपरविजन हो, लोगों की नज़र हो, पारदर्शिता हो, कि ताकि वो बहुत ही पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही जब उस मामले का ट्रायल होता है उसकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, और ऐसे अपराधियों को सजा हो, ऐसा अभियोजन पक्ष को। इस तरह के जो काम होते हैं, जो अगर बात करें पुलिस की तरफ से होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से होना चाहिए, पर देखा जाता है कई बार की वहाँ हिला वाली दिखाई देती है, तो एनजीओ जो है वो सामने आते हैं इस तरह की चीजों को लेकर, इस तरह के जो कृत्य होते हैं उस पर सख्ती करते हैं वो, तो पुलिस क्यों पीछे रह जाती है इस तरह की चीजों की खोजबीन करने में, या इस तरह के काम अकेला मैडम पुलिस का नहीं, ये सब जुड़ा हुआ काम, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे के पूरक डिपार्टमेंट है ये, हमें सोसाइटी का, पुलिस को सोसाइटी का भी सहयोग चाहिए, दूसरे जो विभाग हैं जैसे बाल विकास है, दूसरी एजेंसियां हैं, एनजीओ हैं, इन सब के सहयोग से आपसी सामंजस्य का कोई काम होगा तो ठोस कार्रवाई होगी, अकेले पुलिस इस मामले में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए मध्य प्रदेश में बाल आयोग का अध्यक्ष है नहीं, बाल आयोग का कानून देश में इसीलिए बनाया गया था 2005 में कि बाल आयोग जो है ऐसे बच्चों के अधिकारों की मॉनिटरिंग करेगी कि क्या बच्चों की सुरक्षा पूरे मध्य प्रदेश में है कि नहीं, देश में है कि नहीं। साथ में चाइल्ड लाइन, देखिए चाइल्ड लाइन का काम सिर्फ फोन आने पर शिकायत पर कार्रवाई करना नहीं है, चाइल्ड लाइन का काम है प्रोएक्टिव, यदि वो कहीं चाइल्ड लाइन को, पूरे मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में चाइल्ड लाइन का गठन हो चुका है, ऐसे में यदि कहीं भी उनको बच्चा मिलता है तो उनको प्रोएक्टिव तौर पर काम करना होगा, सिर्फ फोन आने पर चाइल्ड लाइन एक्टिव हो इस ये कोई, ये तो एक दूसरी व्यवस्था करिए। देखिए चाइल्ड लाइन जो व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार ने, उसको एक मदर एजेंसी के तौर पर पूरे देश में अधिकार दिए गए हैं, वो मदर एजेंसी की चाइल्ड लाइन की जो है वो हर जिले में अपना एक संगठन नियुक्त करती है जो बच्चों के अधिकारों के लिए, लेकिन सिर्फ चाइल्ड लाइन फोन आने पर काम करे क्या, उसको चाइल्ड लाइन को पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चे नहीं दिख रहे हैं जहाँ पर वो सो मोटो कॉग्निजेंस ले और ऐसे बच्चों पर के को बचाने की कोशिश करें। तो मैं कुछ हद तक सलीम खान जी से बात से सहमत हूँ कि अकेले हम पुलिस पर ये बात छोड़ देंगे, पुलिस के पास दूसरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, यदि एक आम नागरिक या बच्चों के लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, बाल आयोग है, बाल कल्याण समिति है, चाइल्ड लाइन है और महिला बाल विकास विभाग है, जब तक ये स्वयं आगे आकर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने सामने चीजें दिखाई देती हैं पर उस पर भी नजरें हटा ली जाती हैं, नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं इसमें बताना चाहूंगी मैम थोड़ा सा कि जिस सर ने बताया, सलीम सर ने, विभांशु जी सर ने, कि सिर्फ पुलिस प्रशासन का या कि सिर्फ एनजीओस का या चाइल्ड लाइन का ही इसमें रोल नहीं है, इसमें आम आदमी को भी आगे आना चाहिए। अगर हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट तो हम लोग इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई लड़की बच्चियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा काम महिला वुमेंस इशू पर, बच्चियों पर रहा है, तो क्या जैसे भीख मांगती हुई अगर बच्चियाँ दिख रही तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट तो मैं उनको कहीं ना कहीं चाइल्ड लाइन से उससे जोड़ूंगी, लेकिन एक आम आदमी का भी बहुत फ़र्ज़ है कि वो पुलिस प्रशासन को सूचित करे, 100 डायल और बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस भोपाल में रन कर रही हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश में रन कर रही हैं। इस पर कोई किसी तरह का कोई जागरूकता कार्यक्रम, कोई अभियान बार बार चलाया जाना चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? जी, मेरा यही कहने का मतलब था कि इसमें बार बार अवेयरनेस पुलिस प्रशासन के साथ साथ चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास, बाल आयोग समिति को और आम आदमी को भी अपने मोहल्ले, कॉलोनीज या जो ऐसे एरियाज हैं जैसे भोपाल का एमपी नगर या रॉयल मार्केट एरियाज, जहाँ पे मैंने रात में 12:30 एक बजे के करीब भी बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है और वह सुनसान एरिया में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे आसपास कॉलोनीज के लोगों को मिलकर कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी बनाने चाहिए ताकि वो उन बच्चों को देख सके या जो भी क्राइम हो रहा है या कोई भी वॉयलेंस इस तरह का हो रहा है उनके ऊपर उसको नोटिस करें। इवन अगर हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं
अपनी फैमिली के साथ या कहीं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करने, तो उसमें भी हमको ये नोटिस करना चाहिए कि वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है, और अगर वहाँ है तो हमें उसकी पूरी जानकारी पहले तो होटल का जो प्रबंधक है उनसे बात करना चाहिए, उसके बाद हमको खुद को भी पुलिस प्रशासन को या ट्रैफिक सिग्नल्स पर अक्सर बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह बेचते दिखाई दे जाते हैं, उन पर भी कोई किसी तरह की कोई नज़र नहीं जाती है प्रशासन की बात करें। इसमें कुछ समय पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक एनजीओ के द्वारा चलाया भी गया था अभियान, जो बच्चे न्यूज़पेपर या कुछ चीज़ें बांटते थे उनके लिए इसको चलाया भी गया, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा वो योजना, की बहुत से लोगों ने उनसे न्यूज़पेपर खरीदना और उन बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरी एजुकेशन से उनसे जोड़ना भी शुरू किया था। अभी बात वही है पूजा जी, जब समय पड़ता है, जब चीज़ें दिखाई देती हैं, जब सबकी नज़र उस पर जाती है तभी चीज़ें उठती हैं, उसके बाद सब चीज़ें दब जाती हैं। एक बीमारी अगर कोई बढ़ रही है उसको जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होता है, जैसा कि शरीर में अगर कोई चीज़ें ऐसी पनपती हैं तो इसी तरह इस तरह की बीमारी जो समाज में पनप रही है, जो समाज में दिखाई दे रही है, उसको जड़ से ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? बार बार छोड़ दिया जाता है, अधूरे ट्रीटमेंट पर छोड़ दिया जाता है, फिर उसको और उसको बीमारी का उग्र रूप दिखाई देना, इंतज़ार किया जाता है जब बढ़ जाए फिर उसका इलाज किया जाए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती। दूसरी एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे पूजा जी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जो बात होती है उसमें अभी जैसा कि सलीम जी ने कहा कि वहाँ पर ही वहाँ के जो संरक्षक होते हैं वही इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस तरह की क्या चीजें हों कि समाज में ये जो बुराई है, जो चीजें सामने है, सुधार गृह में रखा जाता है, सुधार के लिए रखा जाता है, अच्छे के लिए रखा जाता है, पर कई बार ऐसे चीजें सामने आती है कि वही उनका शोषण होता है जी। उसके लिए मैडम सबसे पहले तो जो सुधार गृह है, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से चल रहे हो या महिला बाल विकास या किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा चल रहे हो, सबसे पहले तो उनमें उस तरह के एक्सपर्ट्स काउंसलर, जो सर ने बताया, उस तरह के काउंसलर्स को नियुक्त करना चाहिए, कुछ वॉलेंटियर्स को भी उसमें जोड़ना चाहिए ताकि वो रेगुलर उनका फॉलोअप करते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को भी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मैम कुछ शेल्टर होम्स की हालत ये है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं होने के बाद भी बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं पैसे का अभाव आ रहा है, कहीं पर दूसरी मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो आवश्यकता हैं, उनका अभाव आ रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर जो काउंसलर्स अगर नियुक्त होंगे, चाहे वो वीक में दो बार या तीन बार जाकर के वहाँ पे फॉलोअप लें, या रेगुलर वो वहाँ पर जाकर के बच्चों के साथ बात करें, और अगर कोई नया बच्चा आता है उसके साथ भी लगातार उसका काउंसलिंग सेशंस फॉलोअप रहें, उनके पेरेंट्स के साथ रहें, और वहाँ के सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनके साथ भी अगर उनका रेगुलर काउंसलिंग सेशंस रहे काउंसलर्स का, तो कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि क्या वाकई में जो पुनर्वास केंद्र में या रिहैब सेंटर्स में हम बच्चों को भेज रहे हैं तो क्या उन तक वो चीज़ें पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। इसका हमको, इसके लिए सबसे ज़रूरी कि प्रशासन को और ज़्यादा काउंसलर्स को वहाँ पर नियुक्त करना चाहिए, और उनकी समय समय पर जो मैनेजमेंट है उनकी टीम बिल्डिंग मीटिंग बिठाने चाहिए कि क्या 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 मुद्दे उनके उठ के आ रहे हैं, जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कैसे उस चीज को बेहतर बना सकते हैं। जी पूजा जी, समय की कमी, विमांशु जी समय की कमी है, आखिरी सवाल है और बहुत कम शब्दों में चाहूंगी इसका जवाब, कि जो नौनिहाल है हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य है, कल को बनने जा रहे हैं, उनके भविष्य को किस तरह सुरक्षित किया जाए, क्या सही तरीका, कम शब्दों? देखिए, कानून का व्यवहारिक तौर पर लागू किया जाना चाहिए, तभी खुशहाल होंगे नौनिहाल, और संविधान भी कहता है, संविधान में 2002 में संशोधन किया है, शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, कोई भी बच्चा, भारत का बच्चा, भीख मांगते हुए किसी भी सड़क पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, यही हमारी सबकी मंशा होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही, यहाँ पर दूंगी इसको विराम। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें DNN, और मुझे दीजिए इजाजत। डिजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डिजियाना ग्रुप का केबल सर्विसेज में एक उभरता हुआ नाम है, जिसने 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूवर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। डिजियाना नेटवर्क आज पूरे मध्य प्रदेश में
अपने हाई सिग्नल्स के साथ लगभग 180 से भी ज्यादा सेंटर्स पर संचालित हो रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स का जाल फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के सभी शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी हाई क्वालिटी सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। सबसे बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और